हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंडिया में। दोस्तों आज मैं आप सभी दोस्तों के लिए लेके आया हूँ एक खास जानकारी जो कि है डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती को लेकर के। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ किन किन जिलों में ये भर्ती होनी है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है डाटा एंट्री ऑपरेटर पंचकुला और चंडीगढ़ के अंदर दोस्तों 100 पोस्टें दे रखी है और फतेहाबाद के अंदर 15 पोस्टें दे रखी है। और जो नेटवर्क असिस्टेंट की पोस्टें हैं वो पंचकुला और चंडीगढ़ के अंदर 9 पोस्टें हैं और जो नेटवर्किंग इंजीनियर की पोस्टें हैं वो पंचकुला और चंडीगढ़ के अंदर 5 पोस्टें हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इसकी सारी जानकारी शेयर करूं, उससे पहले आपको बता देता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेस की रेगुलर भर्ती की जानकारी आएगी तुरंत आप सभी दोस्तों के साथ साझा की जाएगी। तो दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं वो है हार्टोन के अंदर। हार्टोन के अंदर दोस्तों वैकेंसी निकली हुई है, आज ही उनका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 12/9/2023 को। और जो इसके एप्लीकेशन फार्म है भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन, वो 15/9/2023 से भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे। और जो फार्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी दोस्तों वो रहेगी 29/9/2023। अभी दोस्तों हम देखते हैं इसकी जो एडवर्टाइजमेंट का नोटिफिकेशन है उसको। तो उसके अंदर दोस्तों आप सभी सामने दिखाई दे रहा है हार्टोन का जो हमारा एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 2023-6 है, जिसमें रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोफेशनल जॉब वर्क की जो वैकेंसी निकली हुई है इसमें दिया हुआ है कि हार्टोन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म ले रहा है जिसके अंदर उन्होंने वैकेंसी दे रखी है। लोकेशन वाइज और पोस्ट वाइज जानकारी यहाँ पे दी गई है। पंचकुला और चंडीगढ़ के अंदर 100 ऑपरेटर डाटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत है जो कि हार्टोन के थ्रू लगने हैं। इसके बाद में जो है फतेहाबाद के बारे में दे रखा है, 15 पोस्टें दे रखी है फतेहाबाद जिले की। दोस्तों ये तो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, और नेटवर्किंग असिस्टेंट की भी दे रखी है और नेटवर्किंग इंजीनियर की भी दे रखी है। तो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों इसके बारे में कि इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15/9 से 29/9/2023 तक भरा जाएगा, इनकी वेबसाइट पे है जो आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों इसका जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आएंगे, उसमें पास होने के तुरंत बाद जो है इसका सेकेंड एग्जाम होगा, वो 5-7-10 मिनट के गैप के बाद में लिया जाएगा। जो टाइपिंग टेस्ट होता है हमारा वो होगा, उसके बाद में जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके हिसाब से जो है इस भर्ती के अंदर आपको जो है फिलअप किया जाएगा। और दोस्तों इसके बाद में आपको बता देता हूँ इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो होता है वो अभी तक इनकी वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया गया है। जैसे इनका रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन हमें प्राप्त होगा आप सभी दोस्तों के साथ जानकारी शेयर करूंगा। फार्म कैसे भरना है उसकी भी पूरी जानकारी आप सभी दोस्तों के साथ शेयर की जाएगी, क्योंकि फार्म भरने का प्रोसेस भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर के अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। तो ऑनलाइन अप्लाई में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और जो जानकारी फिलअप करनी है, उसके बाद में इसकी फीस पे करनी है और यहाँ से आप फार्म प्रिंट है वो कर सकते हैं। इसका जब जो एग्जाम होगा उस समय इसका जो एडमिट कार्ड आएगा वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आईडी के द्वारा जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। तो दोस्तों अन्य किसी प्रकार की जानकारी इसके बारे में चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं। जैसे ही रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट का जो जिसमें क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी दी होगी तभी आप सभी दोस्तों के साथ जानकारी और साझा करेंगे। तो इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर में दोस्तों ओ लेवल का डिप्लोमा हार्टोन का या किसी आईटीआई से हो गया ओ लेवल का डिप्लोमा है वो कैंडिडेट इजिबल है 1 ईयर वाले, और +2 पास कैंडिडेट इसके लिए इजिबल है। तो दोस्तों जैसे ही और जानकारी आई है आप सभी दोस्तों के साथ तुरंत शेयर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको इसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।